अपना तर्जुमान आपकी पहचान।2019 इंतखाबात के मद्देनज़र शहर बालासोर का सियासी माहौल अब गर्म होने लगा है। बीजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के पार्लिमानी और असेंबली उम्मीदवार अपने अपने तौर पर वोटरों को अपने और खींचने में लगे हुए हैं। कोई रैली निकाल रहा है तो कोई जलसा मुनाकिद कर रहा है। इसी के तहत 13 अप्रैल की शाम गोलापोखर चौक पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एक मोबाइल वैन पर खड़े होकर लोगों से खिताब किया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उनकी खिताब को पुरअमन तौर पर सुना। पद्मलोचन लेंका की सदारत में होने वाले इस मोबाइल जलसा को कांग्रेसी पार्लिमानी उम्मीदवार नवोज्योति पटनायक और सदर असेंबली हलके के उम्मीदवार मानोज दास पटनायक ने खिताब किया। इस मौके पर साबिक काउंसलर जुबेदा खातून और शरीफ मोहम्मद ने बीजेडी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस जलसे में कांग्रेस के मुअम्मल लीडर और साबिक एमएलए गोपो नारायण दास और अर्चना नंदी ने भी लोगों से खिताब किया। माटी से माटी रो जो मने आपण माने अछंती आपण को मु मोरो सलाम एवं समस्त को मोरो नमस्कार जनाऊँ आम सहित आम प्रार्थी अच्छा जी की लोकसभा प्रार्थी नवज्योति पटनायक महोदय एवं आमर विधानसभा प्रार्थी जी आमर मानस दास पटनायक अच्छा आमर आजिकार ये सभा को सभापतित्व कर पदिया भाई एवं आपण माने समस्ते गोपु भाई मोर महिला कांग्रेस समस्त भौणी माने भाई माने आज जो भाई भाव ये जो सन्त्रासवादी जो नारा दौची जो भली भाबरे आजी ये मोदी सरकार निश्चित रूप से गोटे निजे गोटे संत्रासवादी से मिछुआ लोक मिछो कथा कहउची चौकीदार बोली निजो को प्रमाणित करथुआ बळे चौकीदारी करू करू केमिति जेठु नरेन नीरेन मोदी पळे गले केमिति अंबानी आज धरा पडु नांदी केमिति भाबरे लक्ष लक्ष कोटि कोटि टंका गरीब लोकंकर से माने तंकर फायदा नउचंती सेटा आपण मानकर जवाब मागे आछि आज जो नवीन पटनायक जो भली भारे बाहा बाहा मारुची पीठा योजना करी कालिया योजना करी विभिन्न प्रकार जुब वाहिनी करी मु तो कहबे से गुंडा वाहिनी तयारी करचंदी तांकर चाकरी कोठी हबो से निश्चित रूप रे आगामी दिन रे से माने निश्चित रूप रे तांकर चाकरी हरेबे चाकरी नहो तेणु करी आपण मन को मु एति निवेदन रखुची ए जो नवीन सरकार जो भली भाबरे ठकै आसुचंती चिट फंड पैसा आमरो जो माने को पेट काटी मुस्लिम भाई भौणी माने एवं हिंदू भाई भौणी माने जो भली तांकर छोटो छोटो पूंजी तकिया तळे खट तळे लुचै रखतले ताकू जो भली भाबरे नै गला शिशु अर्थ तत्व एवं ताकू ए नवीन सरकार तार खर्च करचु कोन ना निजर पांथि तयारी कर देला किंतु लोकों को फेरै पारला नै बंगला रे मानिया को पड़िबो से ममता बनर्जी जत फेरै पल्ला आमो नवीन सरकार से की फेरै पल्ला नै नवीन सरकार को जवाब मांगियर अछि पूर्वतन विधायक पूज्य गोबाई हिंदी में यहां पे मेरे बड़े भाई सांसद प्रार्थी सुलिया भाई नवज्योति पटनायक जिनका नाम है नवज्योति पटनायक और तमाम कांग्रेस के महिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस माइनॉरिटी कमेटी के आवाम जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं बुजुर्ग यहाँ पे तमाम बुजुर्ग को मेरी सलाम नौजवानों को प्यार मेरे बारे में यहाँ पे बोलने का शायद कुछ जरूरत नहीं है जरूरत ना ठीक है मैं एक बार बता दे रहा हूँ मेरा नाम मानस दास पटनायक है
इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधायक के लिए टिकट दिया है और मैं इस बार कांग्रेस पार्टी से विधायक के लिए लड़ रहा हूं। और किनके साथ लड़ रहा हूं? भारत के प्रधानमंत्री और भारत और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ। क्यों? हर जगह में देखिए, जो बीजेडी या बीजेपी का जो भी मीटिंग होता है, क्या बोलता है? नरेंद्र मोदी रो हाथों मुठा को टाण करो, मुख्यमंत्री हाथों मुठा को टाण करो। तो तमाम यहाँ पे जो गुरुजन है, जो यहाँ पे युवाएं हैं, उनसे मैं एक आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा। एक मध्यम परिवार का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री और इस उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ चुनाव लड़ बनाया, उन्होंने बोलते हाँ भाई आपने 2 महीना नाला बना, फिर थोड़ा गया 2 महीना के बाद। क्यों 2 महीने के लिए? क्यों नाला बनता 2 महीने के लिए? और नाला रास्ता, ये कौन सा पहाड़ आपने तोड़ दिया? ये तो कोई भी आएगा अंगूठा छाप भी बनाएगा। आपने क्या किया? यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी है नौजवानों को नौकरी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना घोषणा पत्र नहीं, गारंटी कार्ड। आप जब टीवी खरीदते हैं आपको गारंटी कार्ड क्यों मिलता है? वो पता है टीवी कंपनी को ये खराब नहीं होगा, अगर होगा आप चेंज करोगे। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने आपको एक गारंटी कार्ड दे रहा है, अगर जितना दिन तक नौजवानों को नौकरी नहीं मिला आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा। और अपना गारंटी कार्ड में बोला गया है हर परिवार का एक आदमी को, हर परिवार का एक आदमी को सरकारी या बेसरकारी नौकरी मिलेगा। हिम्मत है और किसी में बोलने का? बोलने का तो छोड़िए, हम तो गारंटी कार्ड दे रहे हैं, बोल के दिखा दे कोई। एक जन बोला था पहले, क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगा, यहाँ से कोई 2 आदमी को मिला है नौकरी? दो आदमी को मिला है। पहले था, पहले 2014 में था विकास। पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि हमारे साथ आपका जो भाई भोला भाई कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसका शामिल होने से हमें जो खुशी हुई है उसका मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आप यहाँ पे पता चल गया है इनको और आप सबको कि बीजेडी दल में और बीजेपी दल में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये हमारे साथ इसलिए आए हैं कि उनको अभी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ही सबको, सब कम्युनिटी को, सब धर्म के लोगों को सही सलामत रखता है, सबका ख्याल रखता है। आप मुझे बताइए, मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में यहाँ पे आपने कितने लोगों को नौकरी दिया? मेरे को एक चीज बताएं, आप कितना इंडस्ट्री लगाया और कितना इंडस्ट्री बंद करवाया, उसका हिसाब दीजिए मुझे, बताइए। यहाँ पे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो इंडस्ट्री लगा था वो लगा था कांग्रेस के टाइम पे, जिस दिन आपका नारा लगा था ना 1000 दिन में 1000 सिर्फ, वहां पे उस दिन से लगा था। उसके बाद एक आइसक्रीम फैक्ट्री भी नहीं लगाया। हम आपको कह रहे हैं, हम दोनों भाइयों को वहां से जिता के लाइए, हम अगर आपको इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगा के देंगे फिर आप हमको धक्के मार के निकाल दीजिएगा। इंडस्ट्री कैसे लगाते हैं,